हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कांति जी जी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस पॉपकॉर्न कैंडी। उसके लिए हमें ये मकई के दाने हैं, जिसको कॉर्न बोलते हैं, सूखा वाला मकई के दाने हैं, ब्राउन शुगर और बटर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, वनीला एसेंस और जिंजर पाउडर और सिनेमन पाउडर, यानी दालचीनी का पाउडर और अदरक का पाउडर है। और ये 20 से 25 कटे हुए बादाम हैं, जिसके छिलके उतार करके हमने लंबे लंबे में कट कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं क्रिस्पी पॉपकॉर्न कैंडी। इसको हम क्रिसमस के अवसर पे बना रहे हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं। ये स्वीट डिश है, कॉर्न कैंडी बनने वाला है, तो इसको आप कभी भी और कहीं भी खा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर गरम करेंगे। कुकर या कोई भी ढक्कनदार बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, अनसाल्टेड बटर है, उसको मेल्ट होने देंगे। और इसी में हम ये कॉर्न को डाल देंगे और इसको चला देंगे। इसको हम ढक्कन से ढक देंगे, जिससे कॉर्न जब फूटेगा तो ऊपर नहीं आएगा, नहीं तो उछलने लगेगा। ये देखिए कॉर्न कितना अच्छा बन गया है, पूरा कुकर भर गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकालेंगे। पॉपकॉर्न बन के तैयार है, गैस ऑन कर लेंगे। इसमें हम बटर डालेंगे, ये अनसॉल्टेड बटर है, तो मेल्ट करेंगे। गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। कॉर्न सिरप और शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो मैंने नहीं डाली है। अगर आप लोगों के पास भी ना मिले तो इसको स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है। शुगर बटर के बाद वनीला एसेंस हम डाल देंगे इसमें। इसी में नमक डाल देंगे, सभी को 2-3 मिनट पकाएंगे। इसको कैरेमल बनाना है तो कैरेमलाइज अच्छे से होना चाहिए। कैरेमल बनने के लिए ये चीनी मेल्ट हो रहा है, आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। पाउडर और दालचीनी का पाउडर मिक्स कर देंगे और बेकिंग सोडा, इसको मिक्स कर लेंगे। कैरेमल बन के तैयार है, अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू कर। अब इस पे कैरेमल को डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक हम ये बेकिंग डिश लेंगे और इस पे पर लगा देंगे और इस पे इसको डालेंगे। बहुत क्रंची बना हुआ है, क्रिस्पी बना।